ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु, यदि आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अनिष्ट कार्य कर रहा है, तो निवेदन करती हूँ कि शंकर जी के मंदिर में जो कलश यानी जो जल का पात्र लेकर आप जाते हो, उस जल के पात्र में मात्र चावल के दो दाने डालकर ले जाएं। मात्र दो चावल के दाने ही लेना है बस, वो भी वो दाना चावल का टूटा ना हो। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कुमकुम को जल में डालकर चढ़ाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़रूरी कोई कार्य है वो संपन्न ही नहीं हो पाता, तो या तन पर कोई रोग हो जाता है, तो उसको मिटाने के लिए हम भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय सफ़ेद फूल डालकर चढ़ाते हैं। उसी तरह भगवान शिव से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए, जल के पात्र में दो चावल के दाने डालकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं। और जब हम बाबा भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं, तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं वो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है कि क्या दूध चढ़ाना ज़रूरी होता है शंकर जी पर, क्या दही चढ़ाना जरूरी होता है शंकर जी पर, शहद चढ़ाना जरूरी होता है शंकर जी पर, चीनी चढ़ाना जरूरी होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पांच चीज़ें शंकर भगवान पर चढ़ती हैं। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि दही परिवार को जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है, और चीनी घर में यदि लक्ष्मी यानी कि रुपया आता तो है पर टिकता नहीं, कहाँ खर्च हो जाता है पता भी नहीं चलता, तो माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे इसलिए शिवलिंग पर मिष्ठान चढ़ाते हैं। हर हर महादेव।